नमस्कार दोस्तों, टीचिंग स्टूडियो आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज के जो वीडियो होने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, काफ़ी अलग होने वाला है। ऐसे में अगर बात करें, पिछले कुछ दिन से मैं बोल रहा हूँ कि यूएनए वीडियो आने वाला है, क्यों नहीं वीडियो आने वाला है संडे को। और ऐसे में अगर देखा जाए, आज है संडे और आज आप लोगों को देने वाला हूँ क्यों नहीं वीडियो, यानी कि आपने जो भी मुझे पूछा कमेंट में उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, उसी के आंसर देने वाला हूँ। जिन जिन लोगों ने हैशटैग क्यों नहीं लगा, उनका जो क्वेश्चन का आंसर 100% मिलने वाला है। उसी के साथ साथ जिन जिन लोगों ने यूनिक क्वेश्चन पूछा, उनका भी आंसर देने वाला हूँ। आपको ये वीडियो बहुत मजा आएगा, आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। सब्सक्राइब कीजिए एडीसी स्टूडियो चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कमेंट है वो है अंकुर कल्याण ने भेजा है, पवन कुमार अच्छा गोलकीपर है। यहाँ पे ऐसे में अगर देखा जाए, नोटिस यूनाइटेड एफसी की पवन कुमार ये भी बहुत ही अच्छा गोलकीपर है। उसी के साथ साथ अगर बात करें, रेहनेस टीवी भी अच्छा गोलकीपर है। इससे पहले जो रेहनेस टीवी को 3 दिन के लिए रेस्ट दिया था, उस टाइम पे पवन कुमार को उठाया गया था। और ऐसे में अगर देखा जाए, भाई रेहनेस टीवी से अच्छा खेल रहा है, यानी कि रेहनेस टीवी की बराबर खेल रहा है पवन कुमार। इसी कारण से जो पवन कुमार को चेंज नहीं कर रहा है। इसके बाद जो कमेंट है वो है मानव ज्योति तालुकदार की ओर से। ऐसे में अगर देखा जाए, नोटिस यूनाइटेड एफसी का रिप्लेसमेंट क्यों नहीं होगा, न्यू प्लेयर सिंह करेगा क्या? तो फिर ऐसे में अगर देखा जाए, नोटिस यूनाइटेड एफसी को भाई कोई भी नए प्लेयर की जरूरत नहीं, नोटिस यूनाइटेड एफसी अच्छा खेल रहा है। तो फिर इसी कारण से मुझे लगता है भाई, नोटिस यूनाइटेड एफसी का कोई भी नए प्लेयर नहीं आने वाला है इस टाइम पे। तो उसके बाद जो कमेंट है, जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगुस्टिन ओखर खेलेगा और नीकू सर या 5 वीक तक नहीं खेल पाएगा। तो जहाँ तक मुझे मालूम है, अगुस्टिन ओखर इस साल के लिए नहीं खेल सकता है। उसी के साथ साथ अगर बात करें मीकू के बारे में, भाई मीकू की कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है। तो फिर उसके बाद जो कमेंट है, विशाल हसौड़ी ने कमेंट किया, हैशटैग कीवी कब खेलेगा। तो फिर कीवी के बारे में अगर बात करें, भाई कीवी की जो भी रेस था वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो भी इंजरी के कारण जो उससे रेस दिया गया था वो बिल्कुल खत्म हो गया। और कीवी इस टाइम पर फिट है, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं खेल रहा है। तो जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आ जाता है तो वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद जो कमेंट है वो लक्ष्मण जी ने भेजा, भाई हैशटैग क्यों है, भाई आईएसएल में असम के कितने प्लेयर है, कौन सी टीम पे खेल रहा है। तो फिर ऐसे में अगर देखा जाए, भाई मारूफ हुसैन ने ऑलरेडी उसके जवाब दे दिया है, टीम प्लेयर है। और ऐसे में अगर देखा जाए, हरिश्चंद्र नजर जो खेल रहा है केरला ब्लास्टर के लिए। उसी के साथ साथ अगर बात करें, पांचाल भूमिज वो खेल रहा है मुंबई सिटी एफसी के लिए। और उसी के साथ साथ नीट राय खेल रहा है दिल्ली के लिए। तो फिर उसके बाद नीतीश रॉय ने कमेंट किया, निको विलियम्स कमिंग टू नोटिस यूनाइटेड एफसी टीम, बिल्कुल भी नहीं, निको विलियम्स नहीं आने वाला है नोटिस यूनाइटेड एफसी के लिए जहाँ तक मुझे मालूम है। और बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं, भाई निको विलियम्स आने वाला है, निको विलियम्स आने वाला है, भाई उन वीडियो को विश्वास मत कीजिए। अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि निको विलियम्स आने वाला है। फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो भाई हैशटैग क्यों नहीं जरूर लगाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।